मेरा मानना है कि इंसान जिस चीज में मन लगाएगा वो उसके साथ बातें करता है, चाहे वो लकड़ी का पोल क्यों ना हो। अगर उसको हम रोज रोज देखेंगे ना, उसके पास जाएंगे लकड़ी के थंबे के पास, तो वो भी बोलेगा कि भाई क्या चाहिए। ये मेरा मानना है। आयत है कुरान की, उसमें लिखा गया है कि ये कायनात खामखा मैंने बनाई नहीं, उसके ऊपर गौर फिक्र करो और उस पे गौर फिक्र करके आप कूल्ड माइंड हो जाओ, आपको लोगों का मसला नजर आएंगे। मैं कोई चीज देखता हूँ ये प्रॉब्लम वाला चीज, तो मैं उसका दूसरे तरीके से हल करता हूँ। मैंने यहाँ के फार्मर्स को देखा, जब ये बाग में चले जाते हैं या एक्स भी उठाते हैं, ये एक संबल भी उठाते हैं या एक आरी, ऐसा बहुत सारे नील रिमूवर उठाते हैं, तो फिर मैंने एक मल्टीपर्पज टूल बनाया। मान लीजिए कि मैं इसका हैंडल छोटा करूँगा तो ये छोटे हैंडल से काम आसान होता है। अगर मैं इसको ऐसे सीधे तौर पे काम करूँगा तो इसका एक चिजल बनती है। अगर मुझे कील लगाना है किसी भी जगह, पीछे इसका एक नील रिमूवर भी मैंने बनाया, जैसे ये है, लगाएंगे एक आरी को तो वो यहाँ पे लगाएंगे, अगर कोई चीज़ काटना पड़ेगा तो वह काट, कोई चीज़ फाइल करना है तो इसको हम फाइल करते हैं। पुराना स्पेड है, ओल्ड स्पेड है, उससे किस तरह काम करते हैं कि लोगों में कितना मुश्किलात आती है। जो ये रिश्ते है इस हाथ का, इसको टेढ़ा करता है, कुछ ही मिनट के बाद उसके बाजू में ये दर्द महसूस होने लगा, जो मैंने इनोवेशन बनाई। तो ये आप देखिए, ये एक तो नीचे चला जाता है, दूसरा मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कितना खोला। अब बाजू को भी नहीं टेढ़ा करते हैं, ये खुद रोटेट होते हैं पिछले के हाथ से। ये एसएस का है, एसएस 316 नंबर है, इसमें वो रस्ट नहीं लगता है, जितना काम करेंगे इतना सफ़ेद हो जाएगा, उतना ये फाइल बन जाएगा खुद ही आगे। तो वो जो छलनी होती है वो ऐसे ऐसे करती है, पूरी बैन हिलती है एक घंटे तक। तो मैंने समझा कि ये भी एक मतलब आयरन एज ज़माने का है ये तमाशा गोल, तो उसको क्यों ना हम ऑटोमेटिक बनाएंगे। इसमें छोटा सा मोटर, छोटी सी बैटरी, अगर फेंकी हुई बैटरी भी चार्ज करेंगे उस पर भी वो चलता है, या मैनुअल एक हैंडल भी रखा है। मेरे हिसाब से इनोवेशन उसी को बोलते हैं, नयापन। मैंने छोटा सा इसमें ये एक कबाड़ी की दुकान से मैंने लाया, ये छोटा सा मोटर, डीसी मोटर है, तो मैंने बोला कि क्यों ना हम इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे इस पर्दे को, तो ये ऐसे ऊपर भी जाता है नीचे भी, और जितना भी मर्जी है उतना हम उसको रुकाएंगे। ऐसे ऐसे कामों में मेरा दिलचस्पी हो गई। मुझे तो एक प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला 2017 4 मार्च, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी साहब ने मुझे अवार्ड दे दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कितना लैंड जिन पे ताला है आज 15 साल से, उस आदमी को क्यों नहीं देते आप ये लैंड, जो काम करता है, जिनके वर्कशॉप में लोग सीख के निकलते हैं, जो घर चलाते हैं। मेरा हर मतलब हर रात हर दिन मेरा ड्रीम रहता है कि मुझे ऐसा बड़ा वर्कशॉप होना चाहिए। मुझे ये ड्रीम है और हर रात हर दिन में यही समझ में आता हूँ कि मैं ऐसा अपने देश को कुछ बना के दूँ, ऐसा मतलब जो सबसे अच्छा गैजेट हो, सबसे बढ़िया हो, जैसे बाहर के जो देश है उनको थोड़ा हलचल मच जाए। मैं करके ही रहूँगा इंशाल्लाह, तब तक मैं नहीं बैठूँगा, तब तक मैं मरूँगा नहीं। अगर कुछ करोगे तो मरोगे नहीं ज़िंदगी में, मरने की बात भी नहीं मरोगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो जैसे समझो कि जिंदा ही मर गया।
इंसान को इंसानियत के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, वरना ये फजूल आता है इस दुनिया में।